नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जो जड़ी बूटी प्रकृति की सौगात तो है ही, लेकिन हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण रोगों को दूर करने में बहुत कामयाब है। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी गई जानकारी को तब तक आपको पता नहीं लगेगा जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। वीडियो में बहुत सारी जानकारी ऐसी दी जाएगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, वह जड़ी बूटी रक्त के रोगों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त में उत्पन्न होने वाले रक्ताबूर्ध यानी कि ब्लड कैंसर को भी रोकने में सक्षम है। शोधों में पाया गया है कि यह रोग बढ़ने वाली गांठों को और ट्यूमर आदि को रोक देती है और रोग की प्रथम अवस्था में बहुत कारगर है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी है जो अपने नाम के ही अनुरूप है, सदाबहार, जो हमेशा ही सदा हरी रहने वाली बूटी है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बूटी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि जड़ी बूटी के बारे में, जिसे सदाबहार, सदाफूल, नयनतारा, उषा मलारी, रक्ताबूर्ध नाशक, संद पुष्पा तथा सदाबहार आदि नामों से पुकारा जाता है। यह बूटी वर्ष भर खूब फलती फूलती रहती है। इसका पौधा 2 से 3 फुट तक ऊंचा हो जाता है और झाड़ की भांति फैल जाता है। यह गमलों की अपेक्षा भूमि में अधिक फैलती है। आजकल सदाबहार का पौधा शहर, गांव, देहात सभी जगह मिल जाता है, क्योंकि इसके मोहक पुष्प और सदा हरा भरा रहने की प्रवृत्ति के कारण इसे घर आंगन में खूब लगाया जाता है। यह सभी जगह घर आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। इसके पत्र मोटे चिकने 2 से 3 इंच तक लंबे होते हैं, जो शाख है उस पर आमने सामने लगे रहते हैं। पत्र गहरे हरे रंग के होते हैं। इसकी शाखाएं हरी पीले रंग की होती हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसके पुष्प 2 तरह के होते हैं, यानी कि अलग अलग पुष्पों वाले 2 तरह के पौधे होते हैं। एक गुलाबी रंग के पुष्प वाला पौधा और दूसरा श्वेत रंग के पुष्प वाला पौधा। इसके दोनों पौधे अलग अलग होते हैं, दोनों पर पुष्प भी अलग अलग आते हैं। पुष्प 2-3 के गुच्छे में होते हैं, जो बहुत अच्छे और मोहक लगते हैं। पुष्प दल 4 होते हैं, जो कोमल होते हैं और पुष्पों का आकार समान दिखाई देता है, यानी कि बराबर दिखाई देती है। इसकी फलियां बेलनाकार 2 से 2.5 इंच तक लंबी होती हैं, जो जोड़े में लगती हैं। यही नहीं, क्रम में जोड़े से लगी गुच्छे जैसी लगती हैं। इनकी फलियों में काफ़ी सारे बीज होते हैं, जो चिकने सूक्ष्म व घने काले रंग के होते हैं। पकने पर फलियां स्वयं चटक जाती हैं और बीज इधर उधर फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। दोस्तों, इसके प्रवृत्ति गुणों की बात करें तो यह औषधि बूटी कसाय, तिक्त रस वाली तथा उष्ण वीर्य होती है। इसके गुण लघु व रुक्ष होते हैं। यही नहीं, यह बूटी रक्ताबूर्ध यानी कि ब्लड कैंसर को नाश करने में भी खासी प्रभावी पाई गई है। यही नहीं, यह बूटी वात कफ दोनों का शमन करती है। इसके पत्र, शाख, मूल, पुष्प यानी कि पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके जो पत्र व मूल का अधिक प्रयोग किया जाता है। सदाबहार जड़ी बूटी कितने ही रोगों की औषधि बूटी है। इसका प्रयोग शुगर रोग यानी कि मधुमेह, प्रमेह रोग, वीर्य का तार बनना, मस्तिष्क विकारों तथा रक्त के रोगों में खूब किया जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस औषधि के पौधे के प्रयोग, मात्रा व स्वास्थ्य के जो फायदे हैं, लाभ हैं, उनके बारे में। दोस्तों, अगर इसके स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 7 से 10 ml तक अगर इसके पत्रों के
कल्क का प्रयोग करते हैं तो 5 से 8 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रक्ताबुर्द यानी ब्लड कैंसर रोग में सदाबहार के पत्रों का रस, गिलोय स्वरस, तुलसी के पत्रों का रस, पुनर्नवा स्वरस तथा आंवले का स्वरस मिलाकर या अलग अलग ही इसका प्रयोग करना हितकारी होता है, क्योंकि यह रक्त को शुद्ध साफ करने व रक्त के भागों को संतुलित करने में बहुत मददगार है, बहुत प्रभावी है। वैसे वीट ग्रास के कोमल पत्रों का रस, चूर्ण या पेस्ट का भी इस रोग में प्रयोग किया जाता है। सच तो यह है, जो औषधियों के रसों आदि का प्रयोग उचित सलाह, उचित अनुपान, उचित मात्रा व शारीरिक बल अनुसार प्रयोग कराया जाए तो यह उत्तम लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सदाबहार के ताजे पत्रों का स्वरस ले सकते हैं या ताजे पत्रों को भी साफ कर 6 से 10 पत्रों को बलानुसार चबाकर खा सकते हैं, जिससे मधुमेह व मधुमेह के उपद्रवों को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगर मानसिक उद्वेग है, नींद कम आती है, नींद न आने की समस्या हो गई है तो सदाबहार के पत्रों का रस बहुत लाभकारी है, जो मानसिक शांति उत्पन्न करके मानसिक शक्ति बढ़ाता है और अच्छी निद्रा लाने में सहायक माना गया है। दोस्तों, अगर रक्त स्राव होने की समस्या है, अधिक हो रहा है तो इसके पत्रों को कुचलकर पानी में डालकर यानी कि पीसकर पानी में डाल लें, धनिया के पत्रों का रस भी मिला लें और दोनों को प्रयोग करें तो इससे बहुत लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों, यह बूटी जिसे सदाबहार कहते हैं, कई महत्वपूर्ण यानी कई घातक रोगों को दूर करने में बहुत कारगर है, बहुत ही सहायक है। असाध्य रोगों को भी दूर करती है यह बूटी, लेकिन यह भी माना गया है कि आम वात के रोगी जो हैं वो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बूटी आम वात के रोगियों के लिए अच्छी सिद्ध नहीं होती है, लाभकारी सिद्ध नहीं होती है। तो दोस्तों, अनेक जड़ी बूटियां प्रकृति ने हमें दी हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। वैसे जरूरत है उन्हें पहचानने की, उनके गुणों को समझने की। तो जड़ी बूटियों का दोस्तों प्रयोग करें और लाभ उठाएं, अपने व अपने परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक भाई लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी का भला कर सके, किसी को लाभ पहुंचा सके, किसी के जीवन की रक्षा कर सके। दोस्तों, यह भी एक पुण्य का काम है, तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।